दोस्तों आज हम उत्तराखंड में जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसको जो है हिंदी को कवर करने वाले हैं। इसमें आप अपने आंसर मिलाते चलेंगे। सामान्य हिंदी में हमने सेट ए लिया है जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास था महादेवी वर्मा की रचना नहीं है तो श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ ये सभी हैं, लेकिन सी ऑप्शन इनका महादेवी वर्मा का रचित नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो आगे ज्ञानी वाला होता है ना जे की संरचना क्या होगी तो जय प्लस अय के योग से बनता है। इनमें संयुक्त स्वर कौन सा है तो आ एक संयुक्त स्वर है। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना कौन सी है तो इनकी जो त्रिपाठी जी की रचना है वो है बादल राग। कौन सी है? बादल राग। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है तो तलब यानी कि किसी चीज़ की चाह करना, तलब यानी कि बुलावा करना, लेकिन वेतन भी आवेश भी होता है लेकिन वेतन नहीं है, वेतन आंसर हो जाएगा। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो अर्णव सूर्य अर्णव जो होता है समुद्र का होता है तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। हरिया हर कुलज की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं की जाती अभी आप सूची पत्र लगाएंगे, बाकी इसमें जो भी करेक्शन होगा आंसर की मैं आपको बता देंगे। इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है तो जो दृश्य होता है देखने वाला, श्रव्य सुनने वाला, तो वीडियो कैसेट ही होगी, देखना और सुनना होता है। इनमें से कुमाऊनी बोली की बोली है तो खस परजिया जय कुमाऊनी बोली की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 11 था अजात शत्रु का अर्थ क्या है? अजात शत्रु का अर्थ जिसका कोई शत्रु ना हो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है तो कुल्हाड़ी से, तो किसी हथियार से, किसी जो है साधन से काट रहा है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक। करण कारक। उस उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ विपरीत कार्य करना। इनमें से देवनागरी लिपि किस लिखे जाने की भाषा कौन सी है? मराठी है, मराठी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? अर्क। अर्क किसका होता है? सूर्य का। ठीक है, अन्वीक्षण शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि। आदाक्षर इसकी पहचान में आप लगा सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से सुदेव शब्द कौन सा है? कवयित्री है, कवयित्री है। हिंदी का पार्श्विक जो होता है रात होता है लुंठित और पार्श्विक व्यंजन होता है ला, ला हो जाएगा आंसर। काव्यकृति आवाज भी एक जंगा है के रचयिता कौन है? ये मंगलेश डबराल है। और हिंदी का पहला सामाजिक समाचार पत्र कौन सा था? उत्तांत मार्तंड था। तो अब शाम को हम जो है अपनी वीडियो में आगे का पोर्शन उत्तराखंड और जो इंडियन जीएस क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपना स्कोर हिंदी का जरूर कमेंट करें। थैंक यू।